हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा सहित कई हिस्सों में सुबह से हल्की बूंदाबूंदी हो रही है। हालांकि शिमला शहर में धुंध छाई रही, वहीं मंगलवार को शिमला के रिज मैदान पर हो रही पीएम मोदी की रैली पर मौसम मेहरबान हो सकता है। मौसम विभाग ने शिमला शहर में दिन भर मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि देर शाम के बाद मौसम करवट लेगा। मंगलवार को हालांकि प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कुछ हिस्सों में बारिश का दौर भी जारी है। जिले वहाँ संभावना नहीं है, वहाँ संभावना कम है। और उसके बाद कल की बात है, कल ये लग रहा है कि जो प्रदेश के ज्यादातर हिस्से हैं वहाँ मौसम आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन हायर रीचेस के जो एरियाज है वहाँ पे हो सकता है आइसोलेटेड जो है रेनफॉल एक्टिविटीज स्नोफॉल हो सकता है। और जहाँ तक शिमला टाउन की बात है, ये इंडिकेशंस हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं कि मौसम जो है आमतौर पर ठीक रहने की संभावना है। ये ज़रूर हो सकता है कि इवनिंग और नाइट के आसपास क्लाउड डेवलपमेंट, साउथ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो समय है कल 31 मार्च को, उसमें आमतौर पर मौसम ठीक रहने की संभावना है। ठीक है, जून में जो है कुछ रेनफॉल एक्टिविटीज़ रहेंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। सेकंड वीक में भी थोड़ी सी रेनफॉल एक्टिविटी पिकअप करेंगी, क्योंकि जैसे ही मानसून फर्दर प्रोग्रेस करेगा नॉर्थवर्ड तो थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी पिकअप करेगा। और सेकंड जून के आसपास जो है ये जो है एंस्टा न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।